हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका त्यागी है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों के मौसम में खाए जाने वाले सबसे आसान, सस्ते, स्वादिष्ट और एनर्जी से भरपूर लड्डू की रेसिपी। आप इस लड्डू को सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इसे 1.5 से 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी खा सकता है क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। तो प्लीज़ मेरे तरीके से मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम मूंगफली दाना लिया है। मेरे पास ये भुना हुआ मूंगफली दाना है। अगर आपके पास कच्चा मूंगफली दाना है तो आप उसे 3 मिनट के लिए पैन के अंदर डालकर लो फ्लेम पर अच्छे से भून लें। अगर आप इसे कप से लेते हैं तो ये 1 कप मूंगफली दाना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये 75 ग्राम यानी 75 ग्राम सूखा हुआ नारियल लिया है, जिसे कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप इसकी जगह पर चाहें तो गोले का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसकी जगह पर मखाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसे कप से लेते हैं तो ये 1 कप ही हमारा कद्दूकस किया हुआ गोला है, ये कप थोड़ा ऊपर तक भरा हुआ है। और ये मैंने यहाँ पर 150 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक तोड़ लिया है ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। अगर आप इसे कप से लेते हैं तो ये 1/2 कप हमारे पास गुड़ है। मैंने हर चीज का मेजरमेंट किचन स्केल पर तोल कर लिया है ताकि आप कप से भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो आप इसे ग्राम्स में ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं और आप मेरी सभी रेसिपीज को देखना चाहते हैं, इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे सैरो पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और आपको एक लिंक नजर आएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी सभी रेसिपीज को आसानी से देख सकते हैं। अब लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने अपना पैन रख दिया है। पैन अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आप इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल दें और नारियल को हम मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। इसके लिए आप इसे लगातार चलाते रहिए, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा हम इसे भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम इसे अलग प्लेट के ऊपर निकाल देंगे। और तब तक हमारा गोला ठंडा होता है तो यहाँ पर हम मूंगफली को एक मिक्सी के जार के अंदर डालकर इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मूंगफली को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, हल्का दरदरा सा पाउडर इसका मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से आप इसको हल्का दरदरा सा पीस कर तैयार कर लीजिए। अब इसे हम यहाँ पर अलग बाउल के अंदर निकाल देंगे, इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम सेम जार के अंदर इस गोले को डाल लेंगे। इसका भी हम इस तरीके से दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने दरदरा सा पाउडर इसका बनाकर तैयार कर लिया है। आप अगर चाहते हैं तो इससे बिल्कुल बारीक पाउडर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब दोबारा से गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर गैस ऑन करके मैंने अपना पैन रख दिया है, इसके अंदर हम इस गुड़ को निकाल लेंगे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ये 1 बड़ा चम्मच पानी डाल दूंगी और इसे लगातार चलाते हुए हम मीडियम लो फ्लेम पर गुड़ को अच्छे से पिघल जाने देंगे। जैसे ही गुड़ इसके अंदर अच्छे से पिघल जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर 1 मिनट के लिए थोड़ा हल्का सा उबाल लगा लेंगे। गुड़ पिघल जाने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए और लो फ्लेम पर ही आप इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाइए, बस इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना है। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर ये ग्राइंड किया हुआ गोला डाल देंगे, साथ ही ये ग्राइंड की हुई मूंगफली डाल देंगे। मिला लें दोनों को अच्छे से। जैसे ही दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप इसे 30 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पर हल्का सा पका लीजिए इस तरीके से चलाते हुए। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद अपने हाथों के ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कीजिए और यहाँ पर हम इससे लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। सिर्फ 1 बार आपको हाथों के ऊपर घी अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर सकती हैं। क्योंकि मूंगफली के अंदर भी चिकनाहट होती है, साथ ही गोले के अंदर भी चिकनाहट होती है, तो बार बार आपको घी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही टेस्टी और एनर्जी से भरपूर आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अब आप इसे अच्छे से ठंडा कीजिए, उसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके 1.5 से 2 महीने तक रख सकते हो। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।